हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उस तो बाद अज आप सैकेंड चैप्टर पढ़ा जिद आप पढ़ा इंटरनेट के इस्तेमाल, इंटरनेट की वरतों कितने कितनी होंगी है ये बारे आप डिस्कस करनी है। जिमें जान पछाण के देखो, इंटरनेट एक वधिया टैक्नोलॉजी है जो वर्तमान समय में मनुखन जाति मिलया होया एक तोहफा। कि बेटा एक वधिया टैक्नोलॉजी है मनुखी जाति मिलया होया कि एक तोहफा, एक गिफ्ट के रूप में मिलया होया। ये सारी दुनिया को साढ़े हाथों की उंगलों पर ले आता, मतलब कि दुनिया की कोई भी खबर आ कुछ भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। अज इंटरनेट की वरतों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिवें मोबाइल फोन पर आप इंटरनेट की वरतों करते हैं। इस पाठ में असं इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड वैब बारे ही सीखांगे, इस दी एप्लीकेशन दी सुरक्षा, खोजां दी तकनीक बारे आप विचार करांगे, गूगल एप्स बारे सीखांगे, ठीक है। तो इंटरनेट की है पहले ये देखो, जिवें इंटरनेट अपने आप अपने नाम का अर्थ अपने आप दसदा, अपने आप च ही दसदा। इसका अर्थ है इंटरनेशनल नैटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंटरनेशनल मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर से जो भी नैटवर्क है उन्होंने बोल दें आप इंटरनेट। नैटवर्क की होंगे जो दो ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे ने तो उन्होंने की बोल दें आप नैटवर्क पढ़ते हैं। तो इंटरनेट जिसनों असं कई बार नैट भी कहें, हाँ नैट कहने ना कहने अपने फोन पर नैट नहीं चलता, नैट तो चलूगा। वट्सएप वगैरह जो भी अपने गेम्स वगैरह ने सो अपने नेट से चलते हैं, यूट्यूब चलाने आप, ठीक है। सारा वर्किंग करते होंगी है कि इंटरनेट पर होंगी है। इंटरनेट नूं असीं कई बार नैट भी कहने, पूरे विश्व के लखां कंप्यूटर ने जोड़ के एक ग्लोबल नैटवर्क, मतलब कि पूरा जो जो सारे कंप्यूटर संसार के सारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं तो वह की बन जाता है, एक ग्लोबल नैटवर्क बन जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर आपस में केबल, फाइबर या वायरलैस लिंक द्वारा जुड़े होंगे ने, केबल ला लो या फाइबर ला लो या वायरलैस लिंक। जिवें मोबाइल फोन पर इंटरनेट की होंगे वायरलैस होंगे, उसके ऊपर अपनी कोई केबल वगैरह तो नहीं लगी होंगी। असं इंटरनेट की वरतों वैबसाइट वेखण, लोगों गलबात करना, कोई तस्वीर, कोई आडियो, कोई चैटिंग करते हैं, कोई वीडियो कॉल करते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, संगीत गाने सुनना चाहते हैं, वह भी सारा कुछ आप इंटरनेट पर ही करते हैं। जो दो कंप्यूटर इंटरनेट नाल जुड़े होंगे है तो वह हर किस्म के टैक्सट, ग्राफिक, आवाज़, वीडियो, कंप्यूटर प्रोग्राम भेज से प्राप्त कर सकते हैं। जिमें कोई आप मेल भेजते हैं, वट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं, आप वीडियो भी भेज सकते हैं, कोई टैक्स मैसेज भी लिख के भेज सकते, कोई फोटो भी भेज दें, ठीक है। असं सिर्फ माउस क्लिक नाल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डाटे तक पहुँच सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, कोई शॉपिंग करनी है, कोई गेम खेल सकते हैं, होर भी बहुत सारे काम जो आप इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी जी इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करवा नाम की है, ISP शॉर्ट फॉर्म के बोलते हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक कंपनी है जो व्यक्तियों के संगठनों को इंटरनेट कनैक्शन से सेवावान जी इंटरनेट के कनैक्शन दी है तो सेवावान प्रदान करती है, ठीक है जी। ISP इंटरनेट भी एक संभावना बनाता है, दूजे शब्दों में एक ISP के गाहक बने बिना साढ़े को इंटरनेट का कोई कनैक्शन नहीं होगा। ISP का गाहक बनना जरूरी है, ठीक है जी। तो सबसक्रिप्शन लेनी पैंती है अपन इंटरनेट के लिए, आप कह दें ना भी अपने को जो सिम कार्ड होना चाहिए इंटरनेट वाला होना चाहिए। एक महीना बार किराए लिए सर्विस प्रोवाइडर आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर पैकेज यूजर का नेम, पासवर्ड, एक्सैस फोन नंबर प्रदान करता है, जिमें एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, BSNL का ला लो, जियो का ला लो, ठीक है। पहला असी SPG ISP दे डायल अप मॉडम द्वारा इंटरनेट की पहुँच प्रदान करते हैं। ISP कनैक्शन होना जरूरी है अपने लिए। तो इस किस्म का कनैक्शन निजमित फोन लाइन पर होया सी, ये सिर्फ 56 KBPS सी, KBP किलोबाइट पर सेकेंड, भी 56 किलोबाइट कर मतलब के पर सेकेंड के डाटा ही मतलब कि आपको दिता सी, ताकि सीमित सी। 1990 के अंत में ISP जी ने DSL एक DSL केबल है जी मॉडम राही तेज़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर पहुँच करवाई, भी ये डाटा तेजी अपने को आने लग गया, भी मतलब कि वधिया क्वालिटी अपन मिलन लगी। तो हूँ असी कुछ ISP हाई स्पीड फाइबर कनैक्शन की पेशकश करते जो फाइबर ऑप्टिकल केबल द्वारा इंटरनेट की पहुँच प्रदान करते हैं। जिमें राजी अपने को दसिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर मॉडम नाल जुड़िया होया, देखो फिर इतने डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर जा रहे हैं 2 ISP इंटरनेट इतों जाता, ठीक है। तो फ्रॉम ISP तो लैता गया मॉडल, मतलब आपस में दो कंप्यूटर एक दूजे ना जोड़िया, ये अपने इंटरनेट का सिस्टम भी कहा जाता है। अगे अगर जी वैब ब्राउजर तो तुम सारे ने सुने होगा, कोई भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, आप क्रोम च करते हैं, जो गूगल क्रोम च करते हैं, जला गूगल च करते हैं, ठीक है। तो यह एक की होंगे एक ब्राउजर होंगे जिसे कोई भी चीज़ आप सर्चिंग करनी है तो आप क्रोम की वरतों करते हैं, जो गूगल की वरतों करते हैं। तो कहते एक वैब ब्राउजर का ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मानते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन होंगी है भी सिर्फ आप देख ही सकते होंगे, आप टच नहीं कर सकते होंगे, जो सानू इंटरनेट पर वैबसाइटा वेखण पहुँच कर आग्ञा दी है।
एक उपभोक्ता वेबपेज में लभना पहुँचने और प्रदर्शित करने की आग्ञा दिता उपभोक्ता ब्राउजर के एड्रैस बार में तुम जाके एड्रैस बार ही होंगी जिद सर्चिंग टाइप करते URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दे किसी भी वेबपेज में वेखन लिए आप बेनती करते हैं एक ब्राउजर सधारण टैक्सट की फॉर्म के भी आप ऐड कर सकते आडियो वीडियो भी दे सकते हैं हाइपर लिंक भी एनीमेशन भी दिखा सकते हैं वैब ब्राउजर का मुख्य काम सब वैब तो जानकारी के स्रोत लभना उन्होंने उपभोक्ता के उपकरण कोई मतलब PC लैपटॉप से आप शो करते हैं तो अज बाजार बहुत सारे वैब ब्राउजर उपलब्ध ने जिमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जी अपने को आ वाला ठीक है इस तो बाद गूगल क्रोम हो गया इस तो बाद एप्पल सफारी हो गया मोज़िला फॉरेक्स हो गया ठीक है ओपेरा हो गया ये सारे की ब्राउजर है जिन्हें उपर डाटा आप सर्च कर सकते हैं अगे अगर है जी अपने को बुकमार्क एंड फेवरेटिज़ की होंदिया ने जिमें कि असी जानते हैं कि बुकमार्क एक पतला मार्कर होंगे बुकमार्क की होंगे एक पतला मार्कर होंगे जो आम तौर पर कार्ड धात प्लास्टिक या धागे का बनया हों का बनया हों कार्ड का ला लो धात का ला लो या प्लास्टिक का बनया हों इसकी वरतों एक किताब पाठक द्वारा पढ़े जा रहे पन्ने की जगह न रखन तो वापस उस पन्ने आसानी आने की जाती जिम्मे रहे थोड़ी बुक होंगी बुक के ना कई बार धागा लग्या हों भी आप जितों तक बुक पढ़ ली उ तक आप धागा फसा दें भी आप अगे फिर इस पेज तो कंटिन्यू वर्क है जोड़ा करना तो कहते पर इतों जो एक इंटरनेट ब्राउजर का जिक्र करते हैं तो यह वैब एक वैब पेज का पता सुरक्षित करन का कहते तरीका भी वैब पेज का पता सुरक्षित कर दिए भी जिहड़ा आपां सर्च कर लिया बुकमार्क ते फेवरेटाइज विच कोई अंतर नहीं वो वक्खो वक्खरे शब्द हैं जो एक चीज़ का वर्णन करते हैं ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर इकला वैब ब्राउजर है जो शब्द फेवरेटाइज की वरतों करता भी इंटरनेट जिहड़ा एक्सप्लोरर है एक ब्राउजर है ठीक है ये फेवरेटाइज की वरतों करता मोज़िला फायरफॉक्स हो गया गूगल क्रोम हो गया एप्पल सफारी भविख में ब्राउजिंग लिए सुरक्षित किए गए एक URL नू बुकमार्क जिहड़ा डेटा आप सर्च कर लेने बेटा जिवें आप सर्च कर लिया gmail.com कर लिया जां Yahoo कर लिया वो मतलब कि स्टोरिंग कर लेंदा भी हिस्टरी आप स्टोर करके रख लेंदा उन्हों की बोल देने आप बुकमार्क कहते हैं ठीक है जी तो बुकमार्क शामिल करने का तरीका की होंगे राजे उस वैब पेज में खोलो जिसनों असी बुकमार्क वजो लगवाना चाहते हैं एड्रैस बार से स्टार लगो स्टार का साइन होगा राजे वो उपर की करा आप क्लिक कर देंगे आ देखो राजे जिमें आ स्टार का साइन दिता हुआ आ वाला ब्लू जहा ठीक है ये उपर जो आप स्टार पर क्लिक करो एक बॉक्स आएगा आ बॉक्स आ गया ना राजे अपने को बुकमार्क लिए कोई नाम चुनो ये आप नेम देता इतने कोई भी इसमें खाली छड़न तो सिर्फ साइट का आइकन दिखाएगा फोल्डर चुनो जिस विच बुकमार्क रखा जाए ठीक है कितने रखना चाहते हो डन पे क्लिक कर दो तो बुकमार्क सेव हो जाएगी ठीक है इस तो बाद सुरक्षित वैबसाइटा की पहचान किवें करते हैं आप मंदभागा है कि हर वैबसाइट भरोसेयोग तो सुरक्षित नहीं होंगी ठीक है असुरक्षित वैबसाइट मालवेयर फैला सकती है मतलब कि अपने PC के वायरस लैके आ सकती है जानकारी चोरी कर सकती है अपनी स्वैंप भेज सकती है अपन गलत मैसेज आ सकते हैं होर भी बहुत कुछ कर सकती है एक सुरक्षित वैबसाइट पर हाँ जा नहीं सुनिश्चित करने लिए साधारण तौर पर दो तरीके होंगे वैब ब्राउजर विचले वैब एड्रैस में देखो ये सुनिश्चित करो कि वैब एड्रैस अपना HTTPS नाल शुरू होंदा हो मतलब ये शुरू करो इदा का एड्रैस है जोड़ा होना चाहिए जिम्मे आ गोल सर्कल के दिखाया गया भी एड्रैस बार होंगे ये इदा का ही ब्राउजर है जोड़ा होना चाहिए HTTPS का मतलब है हाइपर टैक्सट प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लायर बेटा की होंगे HTTP हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होंगे बट की होंगे S का मतलब ये होंगे भी सिक्योर होंगे भी सुरक्षित होंगे ये मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपना डाटा कोई चोरी नहीं कर सकता यह HTTP की सोध है जो ब्राउजर के सर्वर के विचकार जानकारी सुरक्षित करने लिए इस्तेमाल किया जाता है वैबसाइट की जानकारी लिए प्रमाणिकता तो सुरक्षा प्रदान करता है HTTPS उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी इनक्रैप्ट करता है तो सर्वर वाले पासे तो जानकारी डिक्रैप्ट करता है यह की करता बेटा जी मतलब आप यूजर वालों जानकारी दी जाती है उन्होंने मतलब आपके ऐड करके तो सर्वर वाले पिछों वाले साइड उन्होंने दिता भी सर्वर वो दोबारा आपको चेंज करके अपनी फॉर्म के दिता तो SSL जिन्हों आप सिक्योर सॉकेट लायर बोलिया ठीक है सर्टिफिकेट गाहक की जानकारी लिए सुरक्षा प्रदान करता आ वाला जिमें लॉक लग गया तो दैट इज़ कॉल्ड की है सिक्योर है डाटा वैब ब्राउजर में एक बंदा बंद पैड लॉक की भाल करो बंद पैड लॉक क्लोज्ड पैड लॉक होंगे इंटरनेट डाटा शुरुआती बिंदु तो अपनी मंजिल तक कई रूटा तो रियल पॉइंटा राही यात्रा करता भी रूट तो लेंदे ही है ना आप कितने भी पहुँचना अपन रूट चाहिए तो यात्रा के हर पॉइंट पर यह संभव है कि कोई डाटा चोरी करके पढ़ सकता है हर एक पैडा तक दर्शाता असी निश्चित तौर पर उस वैबसाइट ना जुड़े हाँ जिसका पता एड्रैस बार में दिखाया गया कनैक्शन रोकया नहीं गया तो ब्राउजर के वैबसाइट के विचकार जो यूसी रोकने लिए कनैक्शन इनक्रैप्ट किया जाता भी कनैक्शन इनक्रैप्ट कर देंगे जोड़ देंगे जो असी पैडा लॉक पर क्लिक करते हैं तो सानू एक स्नेहा दिसदा जिस कंपनी का नाम लिखा होता कनैक्शन टू द सर्वर इज़ इनक्रैप्ट
तां इहदे विच की हुंदा आपणे कोले वी हर एक ब्राउज़र ते अलग अलग पैडालॉग हुंदे आ। किसी साइट पर लॉगिन ना करो, ये याद रखने योग गल की ने, किसी भी साइट पर लॉगिन ना करो जे उपर दिते अनुसार सुरक्षित नहीं है। किसी साइट पर लॉगिन ना करो जे सानू लगता है कि ये जाली वैबसाइट है। जदों असी काम पूरा कर लेंगे हाँ तो साइट तो लॉग आउट करो, भी कोई भी काम कर लिया तो लॉग आउट करना जरूरी है। एक सुरक्षित वैबसाइट साडे वैब ब्राउजर और साइट कंपनी वैब सर्वर विचकार एक इनक्रैप्टड कनैक्शन बनाती है, दोनों के बीच कनैक्शन क्रिएट कर देती है। जिहड़ा कनैक्शन हुंदा कि यह अपने कोल इंटरनेट पर जो भी ट्रैफिक पर रोक लगाउंदा उहनू रोकदा, अपराधियों तो साडी जानकारी नू चोरी करन तो बचाउंदा। ठीक है, ये सारे काम किहदे हुंदे ने, इंटरनेट सर्वर दे हुंदे ने। ठीक है राजे, इतों तक रीड करो, बाकी तो इंटरनेट के एप्लीकेशन बारे आप कल डिस्कस करते हैं। एक बार रीड कर लियो, जो कोई प्रॉब्लम लगती हुई तो मैं दोबारा पूछ लियो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।